गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग डिस्क जब स्टक हो जाती है या शाफ्ट स्लीव जब जाम हो जाती है, स्टक हो जाती है, तो उसे कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शाफ्ट स्लीव जो है स्टक हो गई है, इसको हम लोग हीट करके पुल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए स्पेशल टाइप पुलर बनाते हैं और इसको पुल करने की कोशिश करते हैं। अगर पुल करने से निकल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो शाफ्ट स्लिप को कट करके निकाला जाता है ग्राइंडर की मदद से। और ये है बैलेंसिंग डिस्क जिसको अभी हम लोग निकालेंगे, और ये भी स्टक हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि ये पंप जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। और ये है बैलेंसिंग डिस्क, यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, इसमें जो है हम लोग पुलिंग का जुगाड़ लगाएंगे इसमें इस तरह से। यहाँ पे ये जो है ड्राइव इनसाइड का स्लीव है, इसको भी हम लोग पुल कर लेंगे। विदाउट हिट किए आप इसको पुल नहीं कर सकते हैं, जब पूरी तरह से स्लीव जो है स्टक हो जाता है तो। और यहाँ पर पुल करने के बाद निकल गया। अगली दूसरी तरफ से हम लोग जो है अभी बैलेंसिंग डिस्क को पुल करेंगे, उसके लिए इस तरह का जो है पुलर बनाते हैं, और उसके बाद डिस्क को हीट करते हैं, अच्छी तरह से हीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे बोल्ट को जो है टाइट करेंगे, और उसके बाद जो है बैलेंसिंग डिस्क को हम लोग इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंसिंग डिस्क धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंसिंग डिस्क जो है धीरे धीरे बाहर आ गई है। और ये रही बैलेंसिंग डिस्क, और यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर डिस्क भी जो है डैमेज हो गया है। इन सारे बोल्ट को निकाल कर बड़ी मुश्किल से जो है इस पंप को रिपेयर किया जाएगा। ये जो पंप है ये है बॉयलर फीड वाटर पंप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।